उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी, डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री तथा फोक्सी के अन्य पदाधिकारीगण, डॉक्टर नवनीत कुमार पल्होत्रा देवी और सज्जनों, आप सबके बीच पहुंचने से पहले इस मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित महान स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का मुझे सौभाग्य मिला। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कानपुर ही उनकी कर्मस्थली थी। विद्यार्थी जी को देश प्रेम से ओतप्रोत उच्च स्तरीय हिंदी पत्रकारिता का आदर्श माना जाता था। अपनी कलम की ताकत से हमारे स्वाधीनता संग्राम को शक्ति प्रदान करने वाले विद्यार्थी जी ने सामाजिक शांति और सौहार्द के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। पूरा देश उनका सम्मान करता है। उनके नाम से जुड़कर इस मेडिकल कॉलेज का गौरव बढ़ा है। मैं समझता हूं कि गणेश शंकर विद्यार्थी के देश प्रेम और सामाजिक सौहार्द के आदर्शों का अनुसरण करना हम सब भारतवासियों की, खास तौर से इस मेडिकल कॉलेज और कानपुर से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की महती जिम्मेदारी है। मुझे प्रसन्नता है कि फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया तथा कानपुर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा आयोजित यह अधिवेशन महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर केंद्रित है। मुझे बताया गया है कि आपकी संस्था पिछले 68 वर्षों से महिला स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। मेरा कार्यक्रम कानपुर के लिए बहुत कई महीनों पूर्व बना था और कानपुर आता हूं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और यही स्थिति हर किसी व्यक्ति की होती है जब वो अपने घर में जाता है। और मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि जब कानपुर आता हूं, चाहे एक दिन के लिए आऊं, उस समय देश और दुनिया की सारी समस्याएं ओझल हो जाती हैं। लेकिन संयोग से कल अपने देश में रशियन प्रेसिडेंट आए, पुतिन साहब। पहले उनका मुझे काल ऑन करने का कोई कार्यक्रम नहीं था। बाद में जब मुझे जानकारी मिली 2 दिन पहले कि उनका कार्यक्रम है, मुझे काल ऑन करेंगे, एक टाइम फिक्सअप हुआ मेरे साथ में करीब 20 मिनट्स के लिए, तो मुझे कुछ लोग पूछने लगे कि सर आप ये बताइए, मिस्टर पुतिन हैपेंस टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री विच इज कंसीडर्ड टू बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड,